स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं राजसर दिल्ली एक बार फिर आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा कि देखिए लोगों की स्थिति क्या है। हाँ जी दोस्तों, लोग रोड पर सोए हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, बगल में पानी का सैलाब बहता हुआ। हाँ जी दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। दोस्तों ये नज़ारा तो बस्तियों के अंदर का है, रोड के किनारे का है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पानी कभी आ सकता है। हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं खुद ही अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मैं अक्षरधाम के पास आया हुआ हूँ, जहाँ पर पानी का सैलाब भरा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, चारों ओर पानी ही पानी। हाँ दोस्तों देखिए पानी, लोग कैसे फंसे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले रहने के लिए मजबूर। यहाँ पे बीमारी भी फैल रही है, फिर भी लोग यहाँ पे अपना घर छोड़ करके तंबू के सहारे रह रहे हैं। पानी इतनी ज़ोर से बढ़ रहा है, लगता है कि पानी सब कुछ ले डूबेगा। ये तो हाल दोस्तों बिल्कुल रोड के किनारे का ही है। हाँ देखिए, हाँ जहाँ तक हो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पे कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं पानी में, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं है कि ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। कल ही 3 बच्चे पानी में डूबकर खत्म हुए हैं। मैं अभी इन बच्चों को जा कर के बोलूँगा कि आपको यहाँ नहाना नहीं है। हाँ जी दोस्तों, आप देखिए हालत देखिए, वो लोग शुक्रगुजार हैं जो घर में बैठे हुए हैं। हाँ जी दोस्तों।